नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मोनू त्रिपाठी जी, राकेश कुमार जी, अलमना जी को, पुपरी कलाम जी, उपदीप कौर जी, विपुल जी को, लता किशोरी, दिनेश चतुर्वेदी जी, कंचन लता जी, कुमार संदीप जी, रेणु कुमारी जी, प्रांजल जी, रूपा रानी जी, संध्या मौर्य जी, लता किशोरी जी, अनूप पांडे जी, मोनू त्रिपाठी जी, पूजा तिवारी जी, नंदिनी यादव जी, सोनू रानी जी, रिधिका दिव्या जी, रजनी मिश्रा जी, सागुप्ता जी, राम शर्मा जी, श्रीम शर्मा जी और दीपाली यादव जी, आप सभी लोगों का आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं नेट का लेटेस्ट पेपर उठाकर देख रही थी तो शुरुआती प्रश्नों में ही 5-10 इस पुस्तक की महत्वता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अब प्रश्न एकदम फैक्ट बेस्ड नहीं आते हैं, आपको एक एक लाइन का पता होना चाहिए, इसलिए कि इस बुक की महत्वता आज जितनी है कल इससे अधिक होने वाली है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, वास्तव में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। स्वामी अग्रदास, रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास जी थे, ठीक है। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। भक्तमाल के जो रचयिता नाभादास जी थे वो अग्रदास जी के शिष्य थे, ठीक है। रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद जी, अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य अग्रदास जी और उनके शिष्य थे नाभादास जी, यानी नाभादास जी जो थे वो रामानंद जी की शिष्य परंपरा के थे। गलता राजपुताना की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है, वह भी यहीं रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई चार पुस्तकों का पता चलता है नाभादास जी की। हितोपदेश उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियां, नाभादास जी की ये प्रसिद्ध चार पुस्तकें हैं, ठीक है। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की है, ठीक है। इनकी नाभादास जी की तुलना किससे की गई, नंददास जी की। इनकी जो कविताएं हैं ये उसी ढंग की हैं जैसे कृष्णोपासक नंददास जी की हैं। उदाहरण के लिए पद्य देखिए, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुंडल कुटिल विशाल सरोरी हुनैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मान मनो अलि छौना छाए। अब इनका भी एक पद देख लेते हैं, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंधा नहीं जोवत, अपमारग मारक मही जान्यो, एन्द्री पौष पुरुषारथ मान्यो, और के बल अनत प्रकार अग्रदास के राम आधार, ठीक है। अग्रदास जी राम भक्त थे और नाभादास जी कृष्ण भक्त परंपरा के थे। नाभादास जी ये उपर्युक्त अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1665 के लगभग ये वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे थे, मतलब बहुत बाद तक जीवित रहे थे नाभादास जी, ठीक है। तुलसीदास जी के समय से और उसके बहुत पीछे तक ये जीवित रहे थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रिया दयास जी ने उसकी टीका लिखी। 1642 के बाद में इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था और 1769 में जो प्रियादास जी ने उस पर टीका लिखी थी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पयों में लिखे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि भक्तमाल की जो रचना है वो छप्पयों में की गई है, उसमें कुल 316 छप्पे हैं और इसमें 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र की बात की गई है, बखान किया गया है, क्योंकि इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है तत्कालीन कवियों के बारे में। तो ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए,
क्योंकि अब जिस तरह के प्रश्न बन रहे हैं उसमें ये बस से इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके चरित्रों में पूर्ण जीवन व्रत नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई हैं। मतलब इसमें पूरा जीवन, उनका जन्म मृत्यु उनके बारे में नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ क्या बात की गई है, उनकी जो उनकी भक्ति बताने वाली महिमा सूचक बातें, मतलब वो कितने बड़े भक्त थे, यही इसमें दिया गया है। इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रसार जान पड़ता है। ठीक है, उद्देश्य याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्तमाल का उद्देश्य क्या था? नाभादास जी ने किस उद्देश्य से भक्तमाल की रचना की? भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रसार करने के लिए। ठीक है, ये उद्देश्य बहुत अंशों तक सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वो बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कार व्रतपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रसार से। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि गांव में आप जाइए तो साधु वेशधारी जो भी पुरुष होते हैं उनको जितना सम्मान मिलता है, अगर सामान्य वेशभूषा में विद्वानों और पंडितों से ज़्यादा उन्हें सम्मान मिलता है। इसका कारण यही था कि जो इनके चमत्कार पूर्ण वृत्तांत थे उनका सम्यक प्रचार किया गया था। नाभादास जी को कुछ लोग डोम बताते हैं और कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इनसे ना मिल सके। नाभाजी ने उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ, वे तुरंत नाभादास जी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभादास जी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुंचे। अनजाने में ही पहुंचे, वो तो मिलने जा रहे थे लेकिन बिना बुलाए जा पहुंचे। गोस्वामी जी यह समझ कर कि नाभादास जी मुझे अभिमानी ना समझा हो सबसे दूर किनारे बुरी जगह पर बैठ गए। ठीक है, ऐसी एक गंदी सी जगह पर वो जाकर बैठ गए। नाभाजी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। परसने के समय कोई पात्र ना मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए क्या और क्या होगा। इस पर नाभादास जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पे के अंत में पहले नाभादास जी ने कुछ चिढ़कर ये चरण लिखा था, कलि कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धारी। ठीक है, ये वृत्तांत कहाँ तक ठीक है, ये कहा नहीं जा सकता है। मतलब ये कही सुनी बातें हैं, पक्का नहीं कहा जा सकता है कि ये वृत्तांत पूरी तरह ठीक है कि नहीं, लेकिन कहा जाता है क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार करने वाले स्मार्ट वैष्णव थे। ठीक है, गोस्वामी जी खान पान का विचार मतलब करते थे और स्मार्ट वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभादास जी की प्रसिद्ध छप्पे यह है। ठीक है, बाद में जो उन्होंने छप्पे लिखा तुलसीदास जी के बारे में वो ये है, पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। त्रोता काव्य निबंध करी सत कोटि रसायन, एक अक्षर उच्चारे ब्रह्मादि परायण, अब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी, रामचरण सम सत्ता रहत अहिनिस व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। अपने गुरु अग्रदास जी के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य की रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह भी अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने दो अष्टायाम बनाए हैं। ध्यान रखिएगा, नाभादास जी ने दो अष्टायाम भी बनाए हैं, एक ब्रज भाषा गद्य में और दूसरा रामचरित की शैली पर दोहा चौपाइयों में। दो अष्टायाम बनाए हैं नाभादास जी ने, एक गद्य में ब्रज भाषा में और दूसरा दोहा चौपाई शैली में। ठीक
उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। पहले गद्य का उदाहरण दिया गया है। गद्य में लिखा हुआ है, तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करके श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू के निकट बैठत भय। ठीक है, ये लिखा, ये इनकी गद्य की शैली थी। अब देख लेते हैं पद्य की। अवधपुरी की शोभा जैसी कहने सकह शेष श्रुति तैसी, रचित कोट कल धौत सुहावन विविधा रंग मति अति मन भावन, चहुदिश विपन प्रमोद अनुपा चतुर्वीस जो जन रस रूपा, सुदिश नगर सरजू सरिपावनी मणिमय तीरथ परम सुहावनी, बिगसे जलज भ्रंग रस भूले गुंजत जल समोह दु कूले। इनकी पद्य की। परिखा प्रतिदिन चहुदिश लसति कंचक कोट प्रकाश, विविधा भांति नग जग मगत प्रति गोपुर पुर पास। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। प्राणचंद चौहान। संस्कृत में रामचंद्र चरित संबंधी कई नाटक हैं। इसमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार है और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। रचना के ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है। कार्तिक मास पक्ष उजियारा तीरथ पूज्य सोम करवारा। अब ये देखिए कि किसकी पंक्तियां हो गई, प्राणचंद चौहान की। तादिन कथा कीन अनुमाना साह सलेम दिली पतिथाना, संवत 1667 पुण्य प्रकाश प्रगाश बै पाए भय नाठा, जो सारद माता कर दाया वर्णो आदि पुरुष की माया, जे माया कही मुनि जग भूला ब्रह्मा कहे कमल के फूला, निकस नसक माया कर बांधा देशों कमल नाल के रांधा। आदि पुरुष वर्णों कही भांति चांद सूरज तह दिवस नराती, निर्गुण रूप करे शिव ध्याना चार वेद गुण जोर बखाना, तीनों गुण जाने संसारा सिर जय पाले भंजन हारा, श्रावण बिना सो अस बहुगुना मन में होई सो पहले सुना, देसे आप पे आही न ओसी अंधकार चोरी से सासी, तही कर दो करे बखाना जीह कर मर्म भेद नहीं जाना, माया जीव सो को न पारा संकर पर पावरी सो बीच हुई हारा। ठीक है, ये प्राणचंद चौहान की आपने देख ली। अब बात करते हैं हृदयराम की। ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परमार्जित है, जिसमें अधिकतर कपित और सवैये बड़े अच्छे संवाद हैं। ठीक है, हनुमान नाटक जो हृदयराम ने लिखा उसमें कवित्त और सवैये में बड़े अच्छे संवाद लिखे हैं हृदयराम जी ने, याद रखिएगा। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया था। पूरी पांचों शैलियाँ बताई थी ना, उदाहरण सहित आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताई गई थी। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचनाएं नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्त की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, शुक्ल जी ने सबके उदाहरण दिए हैं ताकि आप उस समय के साहित्य और उसकी बढ़ती हुई जो प्रवाह था उसको अच्छी तरह से समझ पाएं, किस किस तरह से परिवर्तन हमारी भाषा में आते चले गए। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को, मीजी मारो उरते उखारी बुज दंड हाड़, तो ही डारू बर अवलोकी रघुबर को,
कासो राग द्विज को रिसात बहरात राम अति दहरात गात लागत है धार को सीता को संताप मेटी प्रकट प्रताप कीनो को है आप चाप तोर्यो जिन हर को जानकी को मुख न बिलोके ताते कुंडल जा, न जानत हो वीर पाए छुबे रघुराई के हाथ जो निहारे नैन फूटे ही हमारे ताते कंगन न देखे बोले कहो सत भाई की पायन के परिबे को जात दास लक्ष्मण याते पहचानत हैं भूषण जे पाए के बिछुआ है यही अरु झांझर है यही जुग नुपुर है तेई राम जानत जराई के सातो सिंध सातो लोक सातो ऋषि हैं ससोक सातो रवि घोरे थोरे देखे न डरा तुम्हें सातो द्वीप सातो इति कार्य पाई करत और सातो मतम रात दिन प्राण है न गात में सातो चित चिर जीव बर राई उठे बार बार सातो सुर हाय हाय होत दिन रात में सातहु पाताल काल सबद कराल राम भेदे सात ताल चाल परी सात सात में एन्यो हनुर कहो श्री रघुराम कछु सुधी है सिय की छिति माही है प्रभु लंक कलंक बिना शुभ से तह रावण बाग की छाही जीवित है कह बे को नाथ सो क्यों न मरी हमते बछराही प्राण बसे पद पंकज में जम आवत पर आवत है पर पावत नाही। ठीक है, राम भक्ति का एक अंग आदि भक्त हनुमान जी की उपासना एक हनुमान जी की उपासना हुई स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है ना, हनुमान बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए जो किया गया था। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना बहुत स्थलों पे की है। हनुमान बाहु जो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है, भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्त मार्ग में अपेक्षित होता है। संवत 1696 में रैमल पांडे ने हनुमत चरित लिखा था। ठीक है, 1696 में रैमल पांडे ने हनुमत चरित्र लिखा था। गोस्वामी जी के पीछे कई लोगों ने रामायणें लिखी पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि ना प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्त की और रचनाएँ उसके सामने ठहर ना सकी 150 वर्षों तक। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास तथा रघुनाथ दास रीवा के महाराज रघुनाथ सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं लिखी जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्त विषयक कविता बहुत कुछ हुई। राम भक्त की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। विशेषता याद रखिएगा, राम भक्त की काव्य धारा में सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचनाएं पद्धतियों कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी भक्तों कवियों ने मुक्तक की एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की। मतलब कृष्णोपासना में जितनी भी ज़्यादा काव्य लिखा गया वो ज़्यादातर गीत काव्य ही लिखा गया, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए है ना। तुलसीदास जी के प्रसंग में ये दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म होगा श्रद्धा उसके पीछे जरूर होगी। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वही श्रद्धा दिखती है। धर्म ब्रह्म के सत्व स्वरूप का की व्यक्त प्रवृत्ति है। जो ब्रह्मा के सत्य स्वरूप की प्रवृत्ति है वो क्या है, धर्म है। इस लाइन से कूट में प्रश्न पूछा जा सकता है। उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व में स्थित मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत
इस सर्वशक्तिमय प्रवृत्ति का उदय, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण के का साक्षात्कार चाहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब भी धर्म का स्वरूप तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से, उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। जब भी धर्म का धर्म हमारे यहाँ उपेक्षित होता है ना, तो क्या होता है, ईश्वर दृष्टि से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। ठीक है, फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़ धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान मनोहर रूप में सामने आ जाता है और पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर के सत का साक्षात्कार पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। मतलब बाहर और भीतर दोनों की ही महत्वता यहाँ पर बताई गई है। यह है उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसीदास जी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में पहले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि के भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप, धर्म स्थापना स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला कभी न कभी उन्हें दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो उठते हैं कि सत स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया, यह अनुभूति करते हैं। राम राज भय काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है, समरथ बड़ो सुजान सुख साहब, सुकृत सेन हारत जितई है। ठीक है, जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम के को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुह रहस्य आदि का भी समावेश हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियाशक्ति की स्थापना होगी। मतलब यदि भक्ति श्रद्धा का अवयव छोड़ दे, है ना, सिर्फ प्रेम पे चले, तो कहीं ना कहीं आगे चल के उसमें विलासिता और इंद्रियाशक्ति की स्थापना हो जाएगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के ध्वर्म स्वरूप को, जो लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली, इसमें धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार का को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तर कांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया। ठीक है, इधर आकर कृष्ण भक्त शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा। विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरित मानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट जो अयोध्या के थे, के रामचरण दास जी ने की थी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा और स्त्री वेश धारण करके पति लाला साहब, जिसका खिताब राम को दिया गया, से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता जी की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए। मतलब वो स्वयं को सीता जी की सपत्नी के रूप में, यानी अगर कहें सौत के रूप में दर्शाते थे, और प्रभु राम को उन्होंने लाला साहब का खिताब दिया और पति के रूप में दर्शाया। इस तरह के कुछ बाद में चले थे। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए।
जैसे लोमस संहिता, हनुमात संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण, महारामायण, कौशल खंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव, सटीक आदि, ये सब उन्होंने फैलाने की कोशिश की। कौशल खंड में राम की रासलीला विहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए और कहा गया है कि रामलीला को वास्तव में रासलीला तो वास्तव में राम ने ही की थी। राम अवतार में 99 रास वे कर चुके हैं, एक ही शेष था जिसके लिए उन्हें फिर कृष्ण के रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण के कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लग गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है उसे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वहाँ की नर्तकियों के नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई हैं। बाप रे बाप। रामचरण की श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम ने थोड़ा हेर फेर किया। उन्होंने पति पत्नी की भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। इसी सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युगलानान्य शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और वहाँ के कुंज भी ब्रज के से क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहाँ बहुत दिनों से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। कुछ लोग सीता को युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आचार्य कृपा निवास नाम के एक कल्पित व्यक्ति बताते हैं, जिनके नाम पर कृपा निवास प्रदावली संबत 1901 में छपी। इसमें अनेक अश्लील पद हैं। नीम्बी कसरत बर जाति प्यारी, रस लंपट संपुट कर जोरे, पद परसत पुनि लय बलिहारी, प्रिय हसी रस रस कुंचिक खोल्यो, चमक निवारति पानी लाड़नी, मुरक मुरक मुख बोल्यो। ये उनके पद दिए गए हैं। ऐसी एक और पुस्तक श्री रामावतार भजन तरंगिणी इन लोगों की ओर से निकाली गई है, जिसका एक भजन देखिए। हमारे प्रिय ठाड़े सरजू तीर, छोड़ी लाज में जाए मिली जहाँ लखन खड़े लखन के वीर, मृद मुस्काए पकड़ कर मेरे खींच लियो सब चीर। अब बताइए राम जी को लेकर इस तरह का इन्होंने कल्पना की है। झाऊ की झाड़ी भीतर करन लगे अति धीर है भगवान। भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र को इतने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा की गई है, ये दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा विभत्स विप्रयर देख कर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति साधा के साहित्य का अनुसंधान करने वाले को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का यहाँ थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। मतलब शुक्ल जी ने सावधान करने के लिए ये विवरण दिया है। गुह रहस्य माधुर्य भाव इत्यादि का समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप से जिस भक्ति का प्रकाश फैलाया था वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। ठीक है, राम भक्ति शाखा यहीं से समाप्त होती है। अब इसके बाद अगले वीडियो में बात होगी कृष्ण भक्ति शाखा की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स अपने बराबर करते रहिएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।